हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू शिवी स्टडीशिप और हम यहाँ पर देख रहे हैं घटना चक्र एशियन इंडियन हिस्ट्री के जो एम वाला पार्ट है एम वाले पार्ट से हम पहले इसकी जो थ्योरी है उसको पढ़ेंगे उसके बाद फिर हम एम पर जाएंगे आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है पोस्ट मॉरिन पीरियड इससे पहले जो हमारा मॉरिन पीरियड था हमने उसको कवर किया था और उसका जो लास्ट में जो बचा हुआ पार्ट है हम इसको कवर करेंगे और इसी के साथ जो हमारा मॉरिन पीरियड है वो पूरा का पूरा जो एम वाला पार्ट है वो यहाँ पर इसका कवर हो जाएगा ये जो बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये आपके लिए सारी ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं या तो ये एग्जाम्स में बहुत बार पहले आ चुके हैं या इनके आने वाले जितने भी एग्जाम्स में उसमें आने की जो इनकी संभावना है वो बहुत ज़्यादा रहती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरी के साथ तो देखिए सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है रुद्रपन का टाइम पीरियड आपके सामने है यहाँ पर वन से वन फिफ्टी वाला वो कहाँ पर मिला था तो वो गिरनार हिल से मिला था गुजरात की रुद्राबन का जो ये इंस्क्रिप्शन है ये कौन से स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है तो ये है भ्रह स्क्रिप्ट ठीक है तो रुद्रमन का जो ये स्क्रिप्ट है ये भ्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखा है और ये सबसे पहला ऐसा हमें इंस्क्रिप्शन मिलता है जो परफेक्टली एकदम संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है अर्लीएस्ट स्पेसीमैन ऑफ काव्य स्टाइल इज फाउंड इन दिस इंस्क्रिप्शन जो एक काव्य स्टाइल में जो लिखा गया ये तो पहली बार हमें यहीं से मिलता है ये कुशाण जो एम्ब्र थे वीमा कडेफ्सिस उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था गोल्ड कॉइन का इंट्रड्यूस किया था और फॉर रेगुलर यूज़ इन इंडिया तो सबसे पहले जो गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था वो भी रेगुलर यूज़ के लिए ठीक है तो वो किसने किया था वो तो कुशाण एम्प्रड थे वीमा कडेफ्सिस उन्होंने किया था और अगर आपसे ये बोले कि गोल्ड कॉइन शुरू किसने किया था ठीक है ना गोल्ड कॉइन को लेकर कौन आए थे तो वो थे ग्रीक ही वॉज नोन एज द फर्स्ट किंग हु इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन वाइल कुजोला कडेफ्सिस सर्कुलेटेड कॉपर कॉइन तो ये पहले ऐसे किंग माने जाते हैं ये जो बीमा कडफ्सीज है जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था किसको गोल्ड कॉइन को वो भी पूरे ऑल इंडिया लेवल पर ओके है ना और बात करें कुजूला कटअ्सिस की तो इन्होंने क्या सर्कुलेट किए थे तो इन्होंने सर्कुलेट किए थे कॉपर कॉइन्स तो दोनों को याद रखना पहले गोल्ड कॉइन और दूसरे कुजूला कड्स आए उन्होंने कॉपर कॉइन बहुत सारी वेराइटीज़ हमें देखने के लिए मिलती है यहाँ पर कॉपर कॉइन्स की जैसे कि योध्या कॉपर कॉइंस इसमें क्या होता है कि स्टैंडिंग फिगर बनी होती है गॉड की कार्तिकी की जिनके यहाँ पर सिक्स हेडेड है ना जो सिक्स हेडेड फिगर है ये और साथ में क्या होता है पिकॉक है ना उनके राइट साइड पे पिकॉक जैसे कि हम सबको पता है कि जो कार्तिके है उनकी जो सवारी थी वो पिकॉक थी तो ये भी हमें कुशान रूलर्स के टाइम के दौरान ही मिलती है ये जो एविडेंस मिले हैं हमें योध्या कॉइन के कि हमें मिले हैं पुरान अष्टधाई है ना इनके इनके बारे में वहाँ पर लिखा हुआ है और जो सर्कुलेशन है गोल्ड कॉइन का वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की साइड यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था पहली बार किसने तो इंडो ग्रीक किंग ने किया था किसने किया था इंडो ग्रीक जो किंग्स थे उन्होंने किया था आगे देखते हैं द वाइट सर्कुलेशन ऑफ दिस कॉइन वॉज प्रमोटेड बाय कुशान ठीक है तो अगर बात करें कि लेकर कौन आए थे इंट्रोड्यूस किसने किया तो इंडो ग्रीक किंग्स ने किया है लेकिन उसको पूरी तरह से जो सर्कुलेट किया जो प्रमोट किया वो किसने किया वो कुशान रूलर्स ने किया है एक बड़े लेवल पर एम्प्र कुशान सॉरी कुशान एम्प्रर्स प्रमोटेड गोल्ड एंड कॉपर कॉइन ऑन अ वाइटर स्केल जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर एक वाइडर स्केल की बात की जाती है तो प्रमोट करने का काम वो कुशान एम्पर्स का था गोल्ड को भी और कॉपर को भी द ईयर ऑफ बुध इंस्क्रिप्शन ऑफ सारनाथ विच बिलोंग्स टू कनिश्च इस एटी वन एटी जो बुद्ध का जो इंस्क्रिप्शन है जो सारनाथ से मिलता है वो भी कनिश्क के टाइम का ये एटी वन एटी के आसपास के टाइम का है वो है दिस इंस्क्रिप्शन वॉज स्टैब्लिश आफ्टर थ्री ईयर ऑफ कनिश्कोनेशन तो जो कनिश का uh, जो कॉरोनेशन हुआ था जिसका राज्यभिषेक हुआ था उसके तीन साल बाद का ये इंस्क्रिप्शन है जिसे मतलब उसके तीन साल बाद इस्टैब्लिश किया गया था द डेट ऑफ कनिश कॉरोनेशन इज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल देखिए जो कनिश का जो कॉरोनेशन हुआ था वो जो डेट है वो पूरी तरह से क्या है कॉन्ट्रोवर्शियल है मतलब एक कोई एक हम बोल सकते हैं एक मेजोरिटी वाले डेट नहीं है

ठीक है दिस इज ऑल्सो नॉन एज द बिगिनिंग ऑफ द साका संबत और इसी 78 एडी को क्या कहा गया था तो साका संवत कहा गया था 78 एडी को तो ये भी याद रखना कि साका संवत का जो बिगनिंग है वो कहाँ से हुई थी तो आप याद रखना कि 78 एडी से मानी जाती है साका संवत की बिगनिंग अकॉर्डिंग टू द जेन टेक्स्ट द सक्सेसर ऑफ विक्रम आदित्य फिफ्टी सेवन बी सी वॉज डिफीटेड बाय द साका इन वन थर्टी फाइव विक्रम संवत तो यहाँ पर जेन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो सक्सेसर थे विक्रम आदित्य के वो हार गए थे साका से ठीक है ना विक्रम संवत में इन वन थर्टी फाइव विक्रम संवध तो इसी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए जो साका है उन्होंने एक नए कैलेंडर की स्थापना करी थी जिसका नाम ने तो तक स्टार्ट किया था जिसका नाम था साका संवध हैंस इट बिगेन फ्रॉम वन थर्टी फाइव माइनस फिफ्टी सेवन ये कैलकुलेशन करने का तरीका है जिसको मिला के अगर हम इसको पूरा तरह से कैलकुलेट करते तो सेवेंटी एट ए डी का वो टाइम होता है मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियन बिलीव डेट द कुशान रूलर कनिश्क वॉज इट्स ऑरिजिनेटर और बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो इसके ऑरिजिनेटर हैं वो कौन है वो कनिष्क है करेंटली फॉर डेट एंड ईयर द जॉर्जियन कैलेंडर इज बिंग यूज तो अगर हम आज की बात करें तो हम कौन से कैलेंडर का यूज़ करते हैं आज के डेट के लिए साल के लिए तो वो है जॉर्जियन कैलेंडर विच इज इंटरनेशनली यूज सिविल कैलेंडर और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे इंटरनेशनली ये जो कैलेंडर है ये यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू गेट विक्रम संवत फिफ्टी सेवन बी सी फिफ्टी सेवन इज एडेड इन द करंट कैलेंडर देखिए अगर आपको विक्रम संवत के हिसाब से टाइम निकालना है कि विक्रम संवत के हिसाब से अभी यहाँ से कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है मतलब है ना कौन सा ईयर चल रहा है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे विक्रम संवत निकालने के लिए आपको फिफ्टी सेवन ऐड कर देना है जो आपका अभी जो आप जिस कैलेंडर को यूज कर रहे हो है ना उस कैलेंडर में आपको क्या ऐड कर देना है जो भी वो नंबर है उसमें आपको फिफ्टी सेवन को ऐड कर देना है और अगर आपको साका संबंध के अकॉर्डिंग जानना है कि अभी कौन सा ईयर चल रहा है तो उसमें आप क्या करोगे उसमें सेवेंटी एट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे मतलब आज आज आपका जो भी ईयर ईयर चल रहा है उस में आप जब 57 को ऐड करोगे तो आपका विक्रम संबत वाला टाइम आ जाएगा और जब उसी ईयर में से आप 78 है ना जो प्रेजेंट ईयर जो चल रहा है उसमें से जब आप 78 को माइनस कर दोगे सब कर दोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका साका संबत वाला टाइम पीरियड आ जाएगा ठीक है चैत्र इज द फर्स्ट मंथ ऑफ इंडियन नेशनल कैलेंडर जो इंडियन नेशनल कैलेंडर है उसका जो पहला महीना है वो चैत्र को माना जाता है जो डेट है नेशनल कैलेंडर की वो मैच करती है विद जॉर्जियन कैलेंडर प्रोमिनेटली एंड जनरली चैत्र स्टार्ट फ्रॉम ट्वेंटी टू मार्च चैत्र का जो महीना है जो पहला महीना माना जाता है हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग वो बाईस मार्च से स्टार्ट होता है और अगर लिपियर है तो ट्वेंटी फर्स्ट मार्च से स्टार्ट होता है अश्वघोष वॉज द पोइट लॉरियट ऑफ द कनिश्क हुज मेजर कॉम्पोजिशन वर्ड सौंदरानंद बुद्ध चरित्र एंड सारी पुत्र प्राकरण ठीक है ना तो अश्वघोष ये कनिष्क के टाइम पे एक पॉइंट थे और ये यहाँ पर उनके कलेक्शंस के नाम आपको बता रखे हैं वासुमित्रा वॉज ऑल्सो अ डिपेंडेंट पॉइंट ऑफ कनिष्क ठीक है अल्सु अल्सु ना ये वासुमित्रा है ये एक और पॉइंट थे कनिष्क के टाइम पे हु हुडिट द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल और इन्होंने ही जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसकी प्रेसिडेंटशिप करी थी पार्ट्स ऑफ अश्वघोष नागार्जुन चारक ठीक है ना द स्कॉलर इन द कोर्ट ऑफ कनिष्क तो ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट आप पर्सनैलिटीज़ देख रहे हैं ये सब कनिष्क के कोर्ट में ही आपको मिलेंगी चरक इज नोन एज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिश कनिश के जो कोर्ट फिजिशियन थे वो कौन थे वो चरक थे महर्षि पतंजल बिलोंग टू तो द सुंग पीरियड वही अगर बात करें कि महर्षि जो पतंजलि थे वो किसके पीरियड से बिलोंग करते थे वो संग पीरियड के टाइम से बिलोंग करते थे एंड वॉज द ऑथर ऑफ महाभाष्य और महाभाष्य को भी किसने लिखा था तो पतंजलि ने लिखा था द बॉर्डर ऑफ द एम्पायर ऑफ द कुशान डायनेस्टी वॉज स्प्रेड आउटसाइड ऑफ इंडिया कनिश्व वज अ ग्रेट रूलर ऑफ द कुशान डायनेस्टी हुज एम्पायर वॉज एक्सटेंडेड ओवर नॉर्दन तुरपन ऑफ द चाइना एंड कश्मीर टू विंध्या हिल साउथ एंड द नॉर्दर्न अफगानिस्तान टू ईस्टर्न यू बिहार तो ये जितना भी पूरा मैंने बताया ना आपको अफगानिस्तान से लेके ईस्टर्न यूपी तक बिहार और चाइना से लेकर कश्मीर तक ये पूरा किसके अंडर आता था तो ये कुशान रूलर्स के अंदर आता था बहुत सारे हमें ऐसे एविडेंस मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि इनके अपने पोर्ट्स भी थे ट्रेडिंग सेंटर्स भी थे है एक्सकीवेशन ऑफ पेरीप्लस ऑफ द एरीथ्रियन सी एंड आरिकमांडो विच प्रूव्स डैट कुषान ट्रेड पर ऑपरेटेड थ्रू परशियन बे एंड द रेड सी तो ये जितने भी वो पोर्ट्स मिलते हैं उनसे पता चलता है कि जो कुषान थे वो अपना ट्रेड यहाँ ऑपरेट करते थे पर्शियन बे में भी और साथ में रेड सी में भी बट नन ऑफ द एविडेंस डिस्क्राइब्ड डेट नेवल फोर्सेज ऑफ कुशान लेकिन हमें कोई भी ऐसे एविडेंस नहीं मिलते जिससे कि हमें पता चल सके कुषान की अपनी कोई नेवल फोर्स वगैरह भी थी अकॉर्डिंग टू चाइनीज टेक्स कनिष्क रिक्वेस्टेड टू मैरी प्रिंसेस हैंन वॉस वॉज डिनाइड तो ना चाइनीज के अकॉर्डिंग जो टाइन चाइनीज टेक्सट है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया गया है कि जो कनिष्क है उसने रिक्वेस्ट करी थी कि जो प्रिंसेस हैं उनसे शादी करने के लिए उन्होंने मना कर दिया था इन रिटेलिएशन दे मास्ट ऑन द पांचाओ इन एटी सिक्स ईडी और ये बात उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने यहाँ पर वो पानचाओ में जो मार्चिंग थी वो स्टार्ट कर दी और कितनी बड़ी फोर्स के साथ सत्तर हज़ार वाली जो फोर्स थी उसको लेकर वो चल दिए बट व डिफीटेड बाई अ स्मॉल चाइनीज फोर्स लेकिन वो फिर भी जो स्मॉल चाइनीज फोर्स थी उससे हार गए थे इतनी बड़ी उनके पास सैना होने के बाद भी अब बात करते हैं गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की जो डेवलप हुआ है कुशान पीरियड के टाइम पर ही और ये बेस्ड है गांधार और मथुरन स्टाइल पे दे वर प्रोवाइडेड एडिक्वेट इंकरेजमेंट और प्रोटेक्शन फ्रॉम द कनिश कनिश ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रोटेक्शन दी है और इंकरेजमेंट दिखाया है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की तरफ जो गांधार आर्ट है वो इन्फ्लुएंस थी किससे ग्रीक आर्ट्स है ग्रीक पैटर्न पर थी वो द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज स्टार्ट इन कुछ कुशान पीरियड देखिए जो चाइल्ड मैरिज़ का जो uh, एक जो प्रथा थी वो कब स्टार्ट हुई थी तो वो कुशान पीरियड में स्टार्ट हुई थी फोर्थ सेंचुरी में कुशान पीरियड के टाइम पे एबॉलिशन ऑफ उपनयन इन फीमेल्स एंड द कस्टम ऑफ चाइल्ड मैरिज ब्रॉड डाउन टू द लोअर स्टेज ऑफ सोसाइटी एबॉलिशन हो गया था उपनयन का फीमेल्स में से जो उपनयन जो उपनयन एक तरह का संस्कार होता है ये फीमेल्स के लिए यहाँ पर एबॉलिश कर दिया था और जो कि चाइल्ड मैरिज का जो कस्टम है इसने इस टाइम पर जो सोसाइटी uh, है मतलब उसको काफ़ी निचले uh, स्टेज पर लाकर यहां पर खड़ा कर दिया था कंसर्निंग द इन्वेडर्स इन एशियन इंडिया करेंट ट्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज ग्रीक तो आपसे पूछा जा सकता है कि पहले कौन आया था तो ये या आप याद रखना सबसे पहले ग्रीक आए थे अलेक्डर उसके बाद शाकाज आए थे फर्स्ट सेंचुरी बी सी में फिर कुशान आए थे और उसके बाद फिर पर्शियन रूलर डेरियस वॉज फर्स्ट रूलर हु इन्वेडेड सम पार्ट ऑफ इंडिया ठीक है अकॉर्डिंग टू हेरोडोटस डेरियस कोंक्वायर द लैंड सराउंडिंग द इंडस रीवर देखिए जो हेरोडोटस है जिन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है उनके अकॉर्डिंग जो डेरियस था रूलर था उसने लैंड को कंक्वायर किया था जो इंडस के आसपास था जो इंडस रिपोर्ट

लास्ट मॉरियन रूलर बृहद्रथ के ठीक है ना तो जो बृहद्रथ था ये लास्ट मॉरियन रूलर था और ये इसी का कमांडर था पुष्यमित्र सुंगा ठीक है अब इसने क्या करा इसने मौके का फायदा उठाया और यहां पर जो सुंग डायनेस्टी है उसकी स्थापना कर दी जो लास्ट मॉरियन रूलर था बृहद्र उसको मारकर अयोध्या इंस्क्रिप्शन गिव्स द फॉर्मेशन डेट द टू यज्ञ परफॉर्म बाय द किश आ, सॉरी पुष्प मित्रा सुंगा तो जो अयोध्या से जो इंस्क्रिप्शन मिलता है वो हमें साफ साफ इन्फॉर्मेशन देता है कि दो अश्वमेध युद्ध कराए गए थे जो किंग पुष्प मित्रा सुंग थे उनके द्वारा सतवाना डायनेस्टी वॉज द मोस्ट पावरफुल आफ्टर मौर्याज इन साउथ सतवाना डायनेस्टी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई थी जैसे ही मौर्याज का एंड हुआ था उसके बाद साउथ में जो सबसे पावरफुल डायनेस्टी बनकर आई वो थी सतवाना डायनेस्टी अकॉर्डिंग टू तो पुरान सिंधुक सिमुक एंड शिप्रक इन्होंने स्टैब्लिश की थी सतवाना डायनेस्टी को जब जो कणनव रूलर सुशर्मा थे उनकी हत्या करने के बाद देयर आर थर्टी और थर्टी वन सतवान रूलर मैं इन पुरान आउट ऑफ दिस ट्वेंटी मत्स्य पुरान तो ये देखिए थर्टी या फिर थर्टी वन जो सतवान रूलर है उनके बारे में पुराण में मिलता है और पुराण में भी कहाँ पर जो उसका मत्स्य पुराण है उसमें हमें उनतीस जो सतवाना रूलर है उनके बारे में पता चलती है जो एक्चुअल कैपिटल थी सतवाना की वो क्या थी वो तो पैठान थी या परिस्थान थी अलॉन्ग विदे सॉरी ऑल दो देर इनिशियल कैपिटल इज बिलीव टू बी अमरावती लेकिन जो इनिशियल कैपिटल है वो अमरावती को माना जाता है अकॉर्डिंग टू पुरान द फाउंडर ऑफ सतवाना डायनेस्टी इज बिलीव टू वी किंग सिमुक तो जैसे कि पुरान के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो सतवाना डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो किसे माना जाता है तो वो सिमुख को माना जाता है यहां पर इसने क्या कर दिया था सिमुख ने इसने जो कंडव किंग थे सुशर्मा है ना इसको पूरी तरह से डी कर दिया था सुशर्मा कॉन्क्वायर द रीजन अराउंड कृष्णा वाज़ अ ब्रदर ऑफ सिमुक ऑफ सतवाहाना देखिए जो सुशर्मा थे उन्होंने कॉन्क्वायर कर लिया था कृष्णा के आस पाट का सारा एरिया ठीक है और वो कोई और नहीं बल्कि वो जो सिमुक थे सतवाहाना के वो उन्हीं के भाई थे द सन ऑफ कृष्णा एंड द सक्सेसर सतकर्णी वॉज द फर्स्ट टू होल्ड द टाइटल ऑफ सतकर्णी ठीक है वी गैट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नेंस थ्रू द इंस्क्रिप्शन ऑफ नाना घाट यहाँ से हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन भी मिलती है जो हमें इंस्क्रिप्शन मिलता है नाघाट गौतमी सत्कारिणी वॉज अ पेट्रोन ऑफ ब्रह्मनिजम एंड ही डिड नॉट परमिट इंटर कास्ट मैरिज़ अमंग द पीपल ऑफ द स्टैब्लिड फोर वर्ना देखिए जो गौतम गौतमी पुत्र सतकर्णी थी ये बहुत बड़ी एक मतलब ब्राह्मण वो जो है उसको बहुत ज्यादा मात्र संरक्षण देती थी और साथ में ये इंटर कास्ट मैनेजेस वगैरह में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे बल्कि ये जो चार जो वर्ण बांट रखे थे इसमें भी शादी करना प्रेफर नहीं करते थे वही जातिवाद वाला चीज़ दिखा दी इसमें डट इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड एज अ प्रोटेक्टर ऑफ द वर्ण सिस्टम इसीलिए गौतमीपुत्र सत्रकर्ण को कहा क्या कहा गया है तो ये वर्ण आ, क्या कहा गया प्रोटेक्टर ऑफ द वर्ण सिस्टम ठीक है देखिए गौतमीपुत्र नाम इनको क्यों मिला है क्योंकि जो ना पालने वाले इनकी माता थी उनका नाम गौतमी था तो यहाँ पर सतवारा डायनेस्टी एक ऐसी डायनेस्टी रही है जिसने अब जो सरनेम है वो अपने पिता का नाम यूज़ करके अपनी माताओं का नाम यूज़ यूज़ किया अपने नाम में खारवेल ऑफ छेदी डायनेस्टी वाज़ द किंग ऑफ कलिंग छेदी डायनेस्टी के अगर रूलर की बात करें तो कौन थे खारवेल थे जो प्रेजेंट आपका उड़ीसा में है मच ऑफ द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन अबाउट खारवेल तो हमें खारवेल के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमें मिलती है हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन से प्लस फ्यू अदर माइनर इंस्क्रिप्शन जैसे कि उदयगिरी और खंडगिरी जो केव्स हैं वहाँ से भी हमें कुछ और इंफॉर्मेशन इनके बारे में मिलती है इन करंट उड़ीसा द हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड खारवलेज अ लाइफ अप टू थर्टी एट ईयर तो जो मैं हाथी गुफा की जो इंस्क्रिप्शन है वो हमें कुछ छोटा मोटा रिकॉर्ड नहीं देती है बल्कि पूरे अड़तीस सालों का रिकॉर्ड देती है इंक्लूडिंग थर्टीन ईयर्स ऑफ इस दिस इज द ओनली सोर्स ऑफ खारवेल इंस्क्रिप्शन द खारवेल इज बिलीव टू द फॉलोवर ऑफ जेनिज्म और इससे पता चलता है कि वहाँ पर जो रहने वाले जो लोग थे वो जेनिज्म को भी फॉलो करते थे तो खारवेल की जो इंस्क्रिप्शन है उससे ये भी पता चलता है देखिए यहाँ पर जो हमारा ये थ्योरी वाला पार्ट था पूरी तरह से कवर हो गया अब हम अपने एम सी क्यू की तरफ चलेंगे तो शुरू करते हैं हमारे एम सी क्यू नंबर फर्स्ट से विच वन ऑफ द तो फॉलोइंग इंडो ग्रीक रूलर इशूड लेड कॉइन तो इनमें से किस कौन से इंडो ग्रीक रूलर ऐसे थे जिन्होंने लेट कॉइन को ईश्यू किया था तो किसने किया था अभी हमने थ्योरी में पढ़ा तो वो थे स्ट्रेटो सेकेंड तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा स्ट्रेटो सेकंड इशूड द लेट कॉइन द टेन योर ऑफ द इंडो ग्रीक रूलर इज कंसिडर्ड फ्रॉम ट्वेंटी फाइव बी सी टू टेन ए डी ओके तो सबसे पहले इंडो ग्रीक रूलर्स में से जो लेट कॉइन थे वो स्ट्रेटो सेकेंड ने यहाँ पर इशू किए थे यहाँ पर है ये आपको मैच द तो फॉलोइंग है बताना है कि कौन सा रूलर कहाँ से था तो पहला है डेमिट्रस ठीक है तो डेमिट्रस कोई और नहीं बल्कि ये कौन थे ये इंडो ग्रीक रूलर थे कौन था इंडो ग्रीक रूलर था तो ये पहला आ जाएगा कोई थर्ड से रुद्रमन रुद्रमन ये था सीथियन ठीक है ना तो ये फोर हो जाएगा ये उसके बाद है गोंडोफेरेंस तो गोंडोफेरेंस ये पार्थियन था और जो विम था वो कुशाण था ठीक है तो डेमिट्रियस इंडो ग्रीक रुद्रमन सिंथिया गोंडोफ्रींस तो ये पार्थियन और जो विम है वो कुशाण तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार both संकरषन एंड वासुदेव आर डिपेक्टेड ऑन द कॉइन ऑफ विच ऑफ़ द फॉलोइंग रूलर्स ठीक है ना तो यहाँ पर बताना है कि कौन से रूलर uh, के टाइम पे कॉइन के ऊपर इन दोनों के ही uh, जो पिक्चर्स थी वो डिपिक्ट थी तो हमें बताना है तो वो कौन से रूलर थे वो थे एगाथो कैलिस ठीक है ना एगाथो कैलिस जो एक ग्रेको बैक्टेरियन किंग थे जिनका जो रूल रहा है वो वन नाइनटी से वन एटी रहा है तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक है ये इसका यहां पर पढ़ लेते थे, हैं थ्योरी वाला पार्ट तो ही अ बिटवीन इंडिया लिटिल इज ऑफ हिम अपार्ट फ्रॉम द एक्सटेंसिव कॉइनज ही द फर्स्ट ग्रैको बैक्टीरियन रूलर टू इंट्रोड्यूस लेजेंड ऑन हिस कॉइन प्रिबली इन ग्रीक एंड ब्राह्मी ही इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन ऑन बोथ विच बलराम एंड वासुदेव ठीक है तो शंकर चना यहां पर नाम दिया हुआ है किसी और का नहीं बल्कि ये किसका दिया हुआ है ये बलराम बलराम कौन थे ये कृष्ण जी के बड़े भाई थे और कृष्ण जी को भी वासुदेव भी बोलते थे ठीक है तो यहाँ पर बलराम और वासुदेव दोनों की पिक्चर्स यहां पर इस पे, पे डिपेक्ट थी ओके हो फॉलोइंग नॉट अ कंटेम्प्रेरी ऑफ द अदर थ्री इनमें से कौन है जो बाकी तीनों में से मतलब जो बाकी तीन है वो एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी थे इनमें से कोई एक ऐसा है जो उनका कंटेम्प्ररी नहीं था तो वो है यहां पर ऑप्शन नंबर सी मिलिंद ठीक है तो बिंबिस एक्चुअल फाउंडर माने जाते हैं मकदियन एम्पायर के जो रिलेटेड थे हरियंक डायनेस्टी से जो प्रश्न जीत है वो रूलर थे कहा के तो वो कौशल महाजनपद के रूलर थे और साथ में वो थे किसके महात्मा बुद्ध के कंटेम्प्ररी थे गौतम बुद्ध यहाँ पे किससे जुड़े हुए हैं बुद्धिज्म से जुड़े हुए हैं है। मिलिंद बेटर नॉन एज द मिनिंदर तो जो मिलिंद है उनको आप मिनिंदर के नाम से ज्यादा अच्छे से जानते हो और वो क्या थे वो एक इंडो ग्रीक रूलर थे इनका जो टेन्योर है वो वन से लेकर वन थर्टी बीसी तक का है तो भीम बिसार बुद्ध और प्रश्नजीत ये कंटेम्प्रेरी थे लेकिन जो मिलिंद है

इंस्क्रिप्शन रिटर्न इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट वॉज द अर्लीस्ट आवर इंस्क्रिप्शन रिटन इन परफेक्ट संस्कृत लैंग्वेज ठीक है तो पहला है जो हमें एकदम परफेक्ट संस्कृत लैंग्वेज में पढ़ने के लिए देखने के लिए मिलता है और इसी के अंदर हमें काव्य स्टाइल भी मिलता है विच इंस्क्रिप्शन टेल अबाउट द वेरियस अचीवमेंट ऑफ रुद्रमन फर्स्ट तो अभी भी पढ़कर आए हैं हम तो वो है जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन ठीक है तो ये हमें रुद्रमन फर्स्ट के बारे में बहुत कुछ बताता है उस रिलेटेड जो कल्चरल आर्ट है संस्कृत लिटरेचर किस तरह से मौर्याज में जो डैम वगैरह बनवाए गए थे और फिर बाद में जो लेक सुदर्शन है उसको पूरी तरह से रिपेयर करवाया था है ना और फ्लड वगैरह से बचने के लिए उसको चेक करने के लिए तो ये सब चीज़ें जो हमें हैं वो जूनागढ़ के इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलती है क्वेश्चन नंबर सेवन हु रिनोवेटेड सुदर्शन लेक विदाउट यूजिंग फोर्स लेबर तो सुदर्शन लेक को किसने रिनोवेट करवाया था बिना किसी फोर्स लेबर के so, यहाँ तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्या बिंदुसार अशोक रुद्रबन फर्स्ट ठीक है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका रुद्रबन फर्स्ट ऊपर बहुत बार पढ़ लिया आपने द रॉक एडिक्ट ऑफ रुद्रबन फर्स्ट जूनागढ़ टेलस अबाउट अ सुदर्शन लेक जूनागढ़ का जो इंस्क्रिप्शन है वो अभी सुदर्शन लेख के बारे में बताता है जिसे ओरिजिनली बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने लेकिन बाद में इसको रिनोवेट जो कराने का काम था वो किसने किया था वो रुद्रमन फर्स्ट ने किया था क्वेश्चन नंबर एट सिक्सटीन कॉइन ऑफ सिक्स मिनेंदर हैव बीन फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट तो सिक्सटीन कॉइन मिले हैं किंग मिनेदर के पूछा गया है कौन सी साइट से मिले हैं तो वो कौन सी साइट है वो है बैराथ ठीक है कहां पर है बैराथ क्वेश्चन नंबर डाइन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन इन नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वर इशूड बाय तो सबसे ज्यादा जो कॉइन मिलते हैं हमें कॉपर के नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से वो किसने इशू कराए थे तो किसने कराया था कुशान सबसे ज्यादा जो कॉइन का सर्कुलेशन है वो इन्हीं के टाइम पे हुआ है गोल्ड कॉइन को इशू किया था इंडो ग्रीक्स किंग ने इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में लेकिन जो कुशान रूलर है उन्होंने इसे बहुत ज़्यादा पॉपुलर बनाया था बहुत ज़्यादा इसको यूज़ में चलाया था गोल्ड को भी और कॉपर कॉइन को भी क्वेश्चन नंबर टेन विच अमंग इज द फॉलोइंग इशू गोल्ड कॉइन रेगुलरली इन एशियन इंडिया सबसे ज़्यादा रेगुलर यूज़ में मैंने आपको बताया कुशान तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर इलेवन बुद्ध इज डिपिक्टेड ऑन द कॉइन ऑफ तो बुद्ध किसकी कॉइन पर डिपिक्ट किए गए थे तो वो है कनिष्क के कॉइन पे ठीक है ना जो कनिष्क के टाइम पे जो थे कॉइन उन पर जो बुद्ध है उनको डिपिक्ट किया गया था क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच ऑफ द फॉलोइंग किंग इज क्रेडिट टू हैव इशूड गोल्ड कॉइन फॉर द फर्स्ट टाइम तो ये जो क्रेडिट है कि आ, कि जो गोल्ड कॉइन इशू कराने का ये पह, ये किसको जाता है तो ये जाता है बीमा कडेफ्सिस को किसको जाता है बीमा कडअप्सिस को ऑल दो इंडो ग्रीक रूलर मेड गोल्ड कॉइन पॉपुलर वीमा कड्सिस वॉज द फर्स्ट कुशान रूलर हु इश्यूड गोल्ड कॉइन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हु अमेंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन फॉर द रेगुलर यूज इन इंडिया अभी अभी पढ़कर वीडा का कड्सिस ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा कुशान रूलर वीमा कड्सिस हु वॉज द फादर ऑफ कनिश फर्स्ट हैज़ इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन फॉर रेगुलर यूज इन इंडिया तो कनिश फर्स्ट के फादर दीमा कड्सिस और ही इज नोन एज द फर्स्ट किंग हु इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन वाइल कुड्सिस कुजुल का कुफ्सिस थे इन्होंने क्या चलाए थे कॉपर कॉइन चलाए थे हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट इशूड गोल्ड कॉइन ऑन अ लार्ज स्केल तो पहली बार लार्ज स्केल पे जो चलाए थे कॉइन गोल्ड कॉइन वो किस चलाए थे बार बार पढ़ते आ है रहे हैं वीमा कडे तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच गॉड इज फाउंड डिपेक्टेड ऑन्या किंग है ना तो ये कौन थे कार्तिके थे तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा कार्तिक और इनके साथ जो इनका पिकॉक है वो भी यहाँ पर बना हुआ है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन वॉट इज द डेट ऑफ द सारनाथ डांथ बुद्धिस्ट इमेज इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिष्क तो ये टाइम है एटी वन ए जो सारनाथ बुद्धिस्ट इमेज इंस्क्रिप्शन है कनिष्क का उसका जो डेट है वो है एट्टी वन ए ठीक है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दिस इंस्क्रिप्शन वॉज स्टैब्लिश आफ्टर थ्री ईयर्स ऑफ कनिश कोरेशन है ना जो कनिश के कोरिनेशन मतलब अभिषेक के बाद तीन साल बाद का ये इंस्क्रिप्शन है इन विच ईयर कॉर्डिनेशन ऑफ कुशान की कनिश वॉज हेल्ड तो कॉर्डिनेशन कब हुआ था वो भी बता रहा है वन हंड्रेड सेवेंटी एट ए वन हंड्रेड वन ए 58 BC या फिर 78 AD तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी 78 AD द डेट ऑफ कलिश कॉरेशन इज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल कंसिडर दिस प्रॉब्लम टू इंटरनेशनल कन्वेंशन वर हेल्ड इन लंडन इन 1913 एंड 1960 ठीक है तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए दो कन्वेंशन भी किए गए हैं लंडन में एक नाइनटीन थर्टीन में एक नाइनटीन सिक्सटी में देंड कन्वेंशन अब यहां पर एक कॉमन कंसेंट के साथ जो एक डेट यहां पर चूज कर ली गई वो है 78 AD और इसी को हम बोलते हैं साका संवत क्वेश्चन नंबर एटीन वैन वॉज साका संवत इनिशिएटेड तो जो ये साका संवत है इसे कब इनिशिएट किया गया है तो इसे किया गया सेवेंटी एट ए डी में इसे इनिशिएट किया गया है अकॉर्डिंग टू जेन टेक्स्ट द सक्सेसर ऑफ विक्रम आदित्य वॉज डिफीटेड बाय साका इन थर्टी फाइव विक्रम संवत टू सेलिब्रेट दिस विक्ट्री साका स्टार्टेड अ न्यू कैलेंडर कॉल्ड साका संवत हैंड इट बिगेन फ्रॉम फिर यहाँ पर ये आपका ये आ जाएगा कैलकुलेट करके एंड मोस्ट ऑफ द दस्टूरेंट बिलीव डेट कुशान रूलर किश वॉज इट्स ओरिजिनेटर हाउ मच इज़ द ईयर डिफरेंस बिटवीन द साका संवत एंड द विक्रम संवत साका संवत और विक्रम संवत में कितने साल का डिफरेंस है तो वो है 135 थर्टी फाइव ईयर्स ठीक है ना वन थर्टी फाइव ईयर्स यहाँ पर बताया हुआ है कि देखिए जो प्रेजेंट आपका जो कैलेंडर हम यूज़ करते हैं जॉर्जियन कैलेंडर अगर उसमें यहाँ पर आप सेवेंटी एट को सब्ट्रैक्ट कर देते हो है ना उसमें अगर आप सेवेंटी एट को सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आपके पास जो टाइम पीरियड निकल कर आएगा वो कौन सा होगा यहाँ पर देखिए पूरा दिया हुआ है कि इन ऑर्डर टू गेट विक्रम संवत 57 सेवन इज टू बी एडेड टू द करेक्ट कैलेंडर अगर आपको विक्रम संवत का टाइम पता लगाना है तो आज जो आप कैलेंडर फॉलो कर रहे हो और जो ईयर अभी चल रहा है उसमें आपको क्या ऐड कर देना है फिफ्टी सेवन ऐड कर देना है और जैसे आप उसमें फिफ्टी सेवन ऐड कर देंगे आपको विक्रम संवत कैलेंडर के हिसाब से आज का ईयर पता चल जाएगा अगर वहीं आपको साका संवत के हिसाब से पता लगाना है तो जो प्रेजेंट आपका ईयर चल रहा है उसमें आपको सेवेंटी को माइनस कर देना है तो आपका साका संवत कैलेंडर के हिसाब से आपको आज का पता चल जाएगा चेत्र फर्स्ट ऑफ द नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन द साका एरा एरासपॉन्ड टू विच वन ऑफ द द फॉलोइंग डेट्स ऑफ जॉर्जियन कैलेंडर इन द नॉर्मल ईयर ऑफ 365 डेज तो वो है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो हमारा फर्स्ट जो मंथ माना जाता है वो है चैत्र और वो स्टार्ट होता है ट्वेंटी सेकेंड मार्च और अगर लीप ईयर है तो ट्वेंटी फर्स्ट मार्च ऑप्शन नंबर ए यहां पर हमारा सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन वैन वॉज विक्रम संवत स्टार्टेड तो विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ है तो so अभी मैं मैंने पढ़ा है तो so वो है हमारा फिफ्टी सेवन बी सी तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन बी फिफ्टी सेवन बी सी टू अदर टेप्स ऑफ विक्रम संवत इज कृत एंड मल्ब विक्रम संबत के दो और नाम है कृत और मलव दे इज अ डिफरेंस ऑफ फोर सेवेंटी ईयर्स बिटवीन द सालवेशन ऑफ महावीर एंड विक्रम संवत इन जेन होली टेक्स्ट द सालवेशन डेट ऑफ महावीर इन इज फिफ्टी सॉरी फाइव ट्वेंटी सेवन बी सी एंड द स्टार्टिंग डेट ऑफ विक्रम संवत इज फिफ्टी सेवन बी सी ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द ईयर ऑफ साका संवत इन दिसंबर नाइन तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए नाइनटीन थर्टी वन ठीक है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा साका संवत हैज एज द नेशनल कैलेंडर इन इंडिया इट इजेटेड इन सेवन सो इन टू थाउजेंड नाइन अकॉर्डिंग टू साका संवत नाइनटीन विल बी द ईयर ऑफ साका संवत ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो टू में जब इसको कैलकुलेट किया गया था तो उस टाइम पर टू जब चल रहा था साका संवत के हिसाब से वो नाइनटीन था ठीक है कंसिडर द फॉलोइंग नेम ऑफ कंटेम्प्रेरीज ऑफ कनिष्क एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स की बिलो तो बता रहा कंटेम्प्रेरी बता दें अभी करिश के टाइप के तो पहला है अश्वघोष फिर है वसुमित्रा फिर कालिदास और कंबल तो यहाँ पर जो आपका आंसर सही है वो है अश्वघोष ये कंटेम्प्रेरी थे किसके करिश के टाइम के और दूसरा है यहाँ पर वसुमित्रा क्योंकि वसुमित्रा ये थे जिन्होंने बुद्धिस्ट काउंसिल को हेड किया था तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर सी अश्वघोष क्या थे पोइट थे कनिश के टाइप के जिनके कंपोजिशन है यहाँ पर ये सौंदरानंद बुद्ध चरित्रा है ना असारी पुत्र प्राकृत और जो वसुमित्रा थे वो डिपेंडेंट पोइट थे कनिश के कोर्ट में जिन्होंने फोर्थ और जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसको लीड किया था कालीदास जो रिलेटेड थे वो गुप्ता पीरियड से रिलेटेड थे और जो कम्बल थे वो ट्वेल्थ सेंचुरी से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर अश्वघोष वॉज कंटेम्प्रेरी और तो अभी अभी पढ़ाया हमने कनिश तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ कनिश्चे कौन है जो कोर्ट ऑफ कनिश्च से नहीं जुड़े हुए हैं तो अश्वघोष भी है चरक भी है और नागरजुन भी है जो नहीं है वो पतंजलि रही है ठीक है क्योंकि पतंजलि किसके कोर्ट से जुड़े हुए हैं तो सुंग पीरियड के टाइप से जुड़े हुए तो ऑप्शन तो नंबर यहाँ पर जो डी है वो सही हो जाएगा नेक्स्ट देखते हैं फॉलोइंग डिड नॉट एडॉट द कोर्ट ऑफ कनिश्च फर्स्ट तो यहाँ पर जो हमारा सही आज है वो विशाखा दत्त ऑप्शन नंबर डी क्योंकि देखो बाकी सब तो यह कनिश्च के टाइप से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन विच ऑफ़ द फॉलोइंग सिटीज़ इज नॉट मैंशन इन द तक इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिश् तो इनमें से कौन सी सिटी है जो तक इंस्क्रिप्शन है कनिश् का उसमें मैंशन नहीं है तो वो है श्रावस्ती कौन सी है श्रावस्ती इसका कोई मैंशन नहीं है उसमें बाकी कोशाबी चंपा पाटलिपुत्र इस सबका मैंशन है ये राबता कहाँ पर है तो सुर्ख कोतल अफगानिस्तान में आपको मिलेगी और ये लिखी हुई है ग्रीक स्क्रिप्ट में बैक्टीरियन लैंग्वेज में और जो बिलोंग करती है कुशाण डायनेस्टी के रूलर कनिश्च से यहाँ पर आपको चार नियम मिलेंगे सिटीज़ के जो साकेत के बारे में कोशाब्बी पाटलिपुत्र और चंपा जिसमें जो श्रवस्थ है, कहीं भी मैंशन नहीं है क्वेश्चन नंबर तो इनमें से से कौन हैं ऐसे आयुर्वेदाचार्यस जिनकी जो पढ़ाई लिखाई एजुकेशन है वो तक्षला यूनिवर्सिटी में हुई है तो वो है चरक और जीवक कौन है चरक और जीवक ऑप्शन नंबर पर सही हो जाएगा चरक और जीवक ठीक है ये तक्षला यूनिवर्सिटी से पर अपना जो एजुकेशन है वो लिया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन द एंचचेस्टर ऑफ शुंग ऑरिजिनेटेडेड फ्रॉम तो जो एनचेस्टर है शुंग के वो कहाँ से ऑरिजिनेटेड है तो वो है उज्जैन से ठीक है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर से हो जाएगा उज्जैन द एचस्टर ऑफ शुंग बिलोंग टू उज्जैन द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज देवभूति द शुंग डायनेस्टी की जो लास्ट रूलर है वो कौन है देवभूति जिनको मार दिया था उन्हीं के मिनिस्टर ने वासुदेव कर्ट ने क्वेश्चन नंबर थर्टी विस डायनेसिटी रूल्ड ओवर इंडिया आफ्टर शुक डायनेस्टी तो देखिए अभी हमने पढ़ा है ना कटअप डायनेस्टी के रूलर ने मारा था तो वही तो रूल करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा कर्णवा ठीक है ना तो जो लास्ट रूलर थे देवभूति सुख डायनेस्टी के उन्हें उन्हीं के मिनिस्टर वासुदेव कन्नम ने मार दिया था और उसके बाद फिर कंडम डायनेस्टी की शुरुआत हो गई थी क्वेश्चन नंबर थर्टी वन हुआ अमंग द फॉलोइंग रूलर इज स्टेटेड एज प्रोटेक्टर ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम तो वर्ल्ड सिस्टम के जिन्हें प्रोटेक्टर माना जाता था वो थे गौतमी पुत्र सत्कर्णी तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ये सतवाना डायनेस्टी से बिलोंग करते थे क्वेश्चन नंबर थर्टी टू विस डायनेस्टी वॉज मोस्ट पावरफुल आफ्टर मॉरेन इन साउथ इंडिया तो मॉरन डायनेस्टी के बाद अगर सबसे पावरफुल डायनेस्टी कोई साउथ इंडिया में आई थी तो वो थी सतवाना तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री सिमुक वॉज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलेट डायनेस्टी जो सिमुक थे वो किसके फाउंडर थे तो वो सतवाना डायनेस्टी के फाउंडर थे ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ये मैच द फॉलोइंग दी हुई है आपको बताना है ठीक है जो सुंग है वो यहाँ पर किससे है तो सुंग वो पाटलिपुत्र ठीक है ना उनकी जो कैपिटल थी वो क्या थी पाटलिपुत्र थी सतवाना डायनेस्टी की जो कैपिटल थी वो थी पठान ओके और यहाँ पर जो कदम थे उनकी कैपिटल थी बनवासी और चंडेल की थी यहाँ पर महोबा तो इस तरह से जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा यहाँ पर देख लेते हैं सुंग पाटलिपुत्र सतवाना पठान कदम बनवासी और चंडेल महोबा क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव विद चाइनीज जनरल हैड डिफीटेड तो किस चाइनीज जनरल ने जो कनिष्क है उनको हरा दिया था तो वो कौन है वो है पेंचाओ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा पेंचाओ अकॉर्डिंग टू चाइनीज टेक्स्ट बिटवीन सेवेंटी थ्री टू नाइन्टी फोर ए डी कनिश्क रिक्वेस्टिंग टू बैरी प्रिंसिस हैन बट वॉज डिनाइड इन रिटेलिएशन दास्ट और पेंचाओ विथ फोर्स बट डिफीटेड बाई अ स्मॉलर चाइनीज फोर्स क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स विच ऑफ़ द फॉलोइंग डायनेस्टी एम्पायर वॉज एक्सपेंडेड इवन आउटसाइड ऑफ इंडिया तो कौन सी डायनेस्टी है जिसने भारत से बाहर भी अपना जो एम्पायर है उसको एक्सपेंड किया तो वो है यहाँ पर कुशाण डायनेस्टी इनमें से कौन है कुशाण डायनेस्टी जो बॉर्डर था कुशाण डायनेस्टी का वो अफगानिस्तान चाइना कश्मीर और यूपी बिहार तक था पूरा क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन द इंस्टीट्यूशन ऑफ चाइल्ड मैरिज स्टार्टेड इन विच पीरियड, तो देखिए जो चाइल्ड मैरिज जो प्रैक्टिस है वो कब शुरू हुआ था तो वो था कुशान पीरियड के टाइप से शुरू हुआ था किसके टाइप से कुशान पीरियड के टाइप से स्टार्ट हुआ था तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी एट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली पैच इन बस कॉज जो पेयर है वो सही तरीके से मैच है तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही से बैच है कुशाल क्योंकि कुशाल के टाइम पर जो गाधर स्कूल ऑफ आर्ट है उसे काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ावा मिला था वो काफी ज्यादा डेवलप हुई थी ये बेस्ड है किस पर गांधार और मथुरा स्टाइल पर और ये प्रोवाइड करती है मतलब इन्होंने जो कनिष्क है उन्होंने काफ़ी ज्यादा प्रोटेक्शन दी इस आर्ट को पूरा को ये ग्रीक आर्ट पैटर्न पर पूरी की पूरी बेस्ड है तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ये इसका एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन आर्ट ऑफ गांधार स्टाइल फ्लरिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ जो गांधार स्टाइल है वो सबसे ज़्यादा किसके टाइम पे यहाँ पर अच्छे से फली फूली तो वो है कुशान तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच इनमें से कौन सा सही तरीके से मैच नहीं है कुशान गोल्ड और कॉपर ये तो बिल्कुल सही है गुप्ता के टाइम पर गोल्ड और सिल्वर तो ये भी सही है सतवाना के टाइम पे गोल्ड ये गलत हो जाता है सतवाना के टाइम पे गोल्ड नहीं था ठीक है बल्कि ये जो सबसे ज़्यादा जो कॉइन उन्होंने बनवाए थे वो किस में थे लेड में कौन से में लेड में ठीक है चूरीज तो गोल्ड सिल्वर कॉपर ये सही है ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका गलत हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑफ़ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच इनमें से कौन सा पेयर सही तरीके से मैच नहीं है तो यहां पर देखिए नासिक है गौतमीपुत्र तो बिल्कुल सके से जुड़ा हुआ है हाथी गुम्फा ये खार्वे से जुड़ा हुआ है भीतरी ये पुलकेशन सेकेंड से नहीं जुड़ा हुआ है ठीक है ये नहीं होगा गिरनार तरुद्रमन फर्स्ट से जुड़ा हुआ है तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा बाकी सारे सही है तो भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन वो डिस्कवर्ड इन भीतरी गाजीपुर उत्तर प्रदेश एंड गिव्स रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग स्कंदगुप्त रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर क्योंकि जो भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन है ये हमें बताता है स्कंद गुप्त के बारे में जो गुप्ता एम्पायर के रूलर थे एहोल इंस्क्रिप्शन है वो बताता है हमें चालुक्य किंग पुलकेशन सेकंड के बारे में बैमियान ऑफ अफगानिस्तान वॉज फेमस फॉर तो जो बेमियान है अफगानिस्तान का वो किस लिए फेमस है तो वो है बुद्धा स्टैचू के लिए फेमस ऑप्शन नंबर डी बुद्धा स्टैचू के लिए फेमस है बेमियान ऑफ अफगानिस्तान ओके क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री द आर्ट स्टाइल विच कम्बाइंस इंडियन एंड ग्रीक फीचर्स इज कॉल्ड तो जो आर्ट स्टाइल है जो कम्बाइन करता है इंडियन और ग्रीक फीचर्स दोनों को उस आर्ट को बोला जाता है गांधार ठीक है क्या बोला जाता है गांधार Gandhar is noted for the distinctive Gandhar style of Buddhist art, which was developed from the merger of Greek, Syrian, Persian, Indian artistic influences. It flourished during the Sakka and the Kushan era. It is also known as the Greco Buddhist, Indo Greek, and Greco Roman, as the subject of art was only Buddha. Question number 44 The Gandhar School of Art is the synthesis of. So, the Gandhar School of Art is the combination of. What combination is Indian or Greek art? Option number Indian and Greek art. So, option number D, Indian and Greek art. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्चर इनवेरेबली यूज ग्रीन सिस्ट एज द मीडियम तो ये जो है ये आपका आंसर हो जाएगा गांधार स्क्ल्पच्चर ठीक है ना तो यही इसका जो ग्रीन सिस्ट है इसको यूज करते थे एज अ मीडियम ठीक है तो ये जो ग्रीक स्कलप्चर्स से काफी ज्यादा यहाँ पर ये इन्फ्लुएंस्ड है ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स की बात करते हैं विद रेफरेंस टू द इन्वेडर्स इन एशियन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो ये मैंने आपसे कहा था कि इसका जो क्रोनोलॉजी है वो हमें याद रखनी पड़ेगी क्योंकि पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कौन आया था तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्योंकि पहले ग्रीक आए थे फिर साकाज आए थे और फिर कुशान आए थे ठीक है तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन की बात करते हैं फर्स्ट पर्शियन रूलर हु कैप्चर्ड सम पार्ट ऑफ इंडिया वॉज तो पहला पर्शियन रूलर जिसने भारत का कुछ पार्ट को कैप्चर कर लिया था तो वो कौन था डेरियस फर्स्ट तो ये पर्शियन रूलर था डेरियस फर्स्ट इसने भारत के कुछ पार्ट को क्या कर लिया था कैप्चर कर लिया था और ये पहला ऐसा रूलर था ठीक है कौन सा एरिया कैप्चर किया था तो इंडस रिवर के आसपास का एरिया जो राजपुताना और कुछ पार्ट्स पंजाब का भी क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट विच द फॉलोइंग वॉज द अर्लीस्ट डायनेस्टी इनमें से सबसे पहली जो डायनेस्टी थी वो कौन सी है तो वो है यहाँ की सतवाना डायनेस्टी इनमें से सबसे पहली है जो वो है सतवाना डायनेस्टी और उसके फाउंडर कौन थे सिमुक तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा और फाउंडर है सिमुक क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन फॉलोइ इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो इन्हें अरेंज करना है देखिए सबसे पहले कौन आएंगे सबसे पहले वकाटक और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर यह सही तरीके से अरेंज है पहले से ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते विश्व कंसिस्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट लिस्ट ऑफ आंध्रा सतवाहना किंग तो यहाँ पर किस पुराण के अंदर ये लिखा हुआ है तो भाई ये है मत्स्य पुराण के अंदर तो इसमें पूरे तीस जो सतवना रूलर है उनके बारे में पुराण में पता चलता है जिसमें से जो ट्वेंटी नाइन है ना वो हमें मत्स्य पुरानी बताता है मतलब उनतीस सतवाना रूलर्स के बारे में तो हमें मत्स्य पुरानी बताता है और टोटल थर्टी है और वो हमें पुराण से पता चल जाते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी की तरफ चलते हैं गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर एज रीजन देखिए असर्शन क्या है इन सतवाना पीरियड संस्कृत अलोंग विद प्राकृतिक एंड अदर फोक लैंग्वेजेस वर डेवलप्ड तो ये जो आपके स्टेटमेंट है ये सही है ठीक है सतवाना पीरियड में संस्कृत के साथ साथ प्राकृतिक और कुछ फोक लैंग्वेजेस थी जिनका डेवलपमेंट हुआ रीजन क्या है इसका सतवाना किंग प्रमोटेड द यूज़ ऑफ संस्कृत एंड अदर फोक लैंग्वेजेस फॉर द लिटरेरी राइटिंग तो ये भी स्टेटमेंट सही है भाई लिटरेरी राइटिंग्स के लिए उन्होंने यहाँ पर वो उन सबको प्रमोट किया तो ये असर्शन और रीज़न इसका दोनों ही सही है तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा एंड सतवाना पीरियड संस्कृत अलॉन्ग विद प्राकृतिक एंड अदर फॉक लैंग्वेजेज वॉर डेवलप एंड सतवाना किंग प्रमोटेड द यूज़ ऑफ संस्कृत एंड द अदर फॉक लैंग्वेजेज फॉर लिटरेरी राइटिंग क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू द कैपिटल ऑफ सतवाना वॉज लोकेटेडेड एट तो सतवाना की जो कैपिटल थी वो क्या थी अमरावती जो उसकी इनिशियल कैपिटल थी ठीक है बाद में जो पठान है वो भी इसकी कैपिटल बन गई थी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज द कपिटल ऑफ सतवाना तो इनमें से कौन सा है वो है प्रश्न जिसे हम पठान भी बोलते हैं तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलता है फॉर विच आर द फॉलोइंग रूलर एका ब्राह्मणा हैज बिन यूज तो एका ब्राह्मणा यूज़ किया जाता है गौतमी पुत्र सत्कर्ण के लिए ऑप्शन नंबर सी जो सतवाना डायनसिटी से बिलोंग करते थे तो यही एका ब्राह्मण अपने लिए इस्तेमाल करते थे ठीक है और यह हमें जो नासिक इंस्क्रिप्शन है उसमें से पता चलता है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव असर्शन और रीजन कनिष्क ट्रेडिड थ्रू गल्फ ऑफ पर्शन एंड रेड सी तो ये तो बिल्कुल सही है हमने थ्योरी में भी पढ़ा था कि जो कुशान था जो कुशान था मतलब वो ट्रेड करता था गल्फ ऑफ पर्शन और रेड सी दोनों के थ्रू रीजन इसका दिया हुआ है दे आर वेल ऑर्गेनाइज नेवल फोर्सेस बिकॉज वज हाईली क्वालिफाइड तो ऐसा हमें कहीं नहीं मिला हमें इसकी नेवल फोर्सेज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है तो रीजन पूरी तरह से गलत हो जाता है तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर हमारा सही है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स ओके A lot of evidence regarding ports trading center has been found from the excavation of Periplus of the Erythian Sea and the Arichmeadu which proves that Kushan trade were operated through Persian Bay and the Red Sea but none of the evidence describe the naval forces of Kushan तो so, हमें देखें यहाँ से ही तो पता चलता है कि वो trade करते थे इन रास्तों पर लेकिन हमें उसकी naval forces के बारे में कोई भी evidence नहीं मिलता है question number fifty six king Harvel is related to तो ये king Harvel किससे related है तो हाथी गुमफा की inscription related है option number C हमारा सही हो जाएगा जो present आपका उड़ीसा म विच ऑफ़ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट टू अश्वेध यश परफॉर्म बाय द किंग पुष्पमित्रा सुंगा तो हमें कौन सी इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि जो पुष्प मित्र सुंग थे उन्होंने दो अश्वमेध युद्ध कराए थे तो वो हमें पता चलता है अयोध्या इंस्क्रिप्शन से कि जो शुंग डायनेस्टी के जो रूलर था पुष्पमित्रा सुंगा उसने दो अश्मेद युद्ध कराए थे पुष्मित्रा सुंगा कौन था ये कमांडर था जो लास्ट मौर्य एम्प्र थे और रूलर था बृहद्रत उसका कमांडर था और इसने उसी को मार दिया था है ना बृहद को मार के और ये खुद फिर इसने अपनी डायनेस्टी को यहां पर स्टेब्लिश कर लिया था और इसने दो अश्मेद युद्ध कराए थे जिसके बारे में पता चलता है हमें अयोध्या इंस्क्रिप्शन से विच ऑफ द फॉलोइंग किंग वॉज अ पेट्रोन ऑफ जैनिज्म देखिए जैनिज्म को इनमें से सबसे ज्यादा कौन मानते थे तो वो थे खारवेन ऑप्शन नंबर डी जिसके बारे में आती गुम्फा इंस्क्रिप्शन से पता चलता है जो प्रेजेंट आपकी उड़ीसा में है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन ऑफ

ज सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट विच किंग बार बार पढ़ रहे हैं भाई हाथी गुम्फा खारवेल ठीक है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर किंग खेरवाल वॉज एसोसिएटेड छेदी डायनेस्टी किसे छेदी डायनेस्टी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सॉरी यहाँ पर हमारा मोर देन वन होगा क्योंकि हमारे पास और भी ऑप्शन है यहाँ पर है ना नीचे और भी दिए हुए यहाँ पर तो इसीलिए यहाँ पर ई e होगा ठीक है

द रूलर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी हैव बीन कॉल्ड एज द श्री पर्वतीय इन पुरान तो किस डायनेस्टी को यहाँ पर श्री पर्वतीय कहा गया है पुराण के अंदर तो ये कहा गया है इक्शवाकू ठीक है जो इक्शवाकू डायनेस्टी है इसको श्री पर्वतीय भी कहा गया है पुराण के अंदर जो रूलर थे इक्शु डायनेस्टी को उन्हें श्री पर्वतीय कहा गया है पुराण के अंदर दे व लॉर्ड्स अंडर द पेट्रोनेच ऑफ सतवाना ठीक है ना तो ये सतवाना के अंडर ही थे और ये लॉर्ड्स होते थे बट आफ्टर दे आर डिक्लाइन इक्शवाकू डिक्लेयर द इंडिपेंडेंस तो so, जैसे ही सतवाना का यहाँ पर डिक्लाइन होता है जो इक्शुवाकू होते हैं वो अपने आप को यहाँ पर इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं और इसके जो फाउंडर है वो है श्रीशंत मुला ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर विच फील्ड वॉज मोस्टली कंट्रीब्यूटेड बाई ईस्टर्न रोमन रूलर जस्टिनियन ठीक है ना तो किस फील्ड में सबसे ज्यादा पर कॉन्ट्रीब्यूशन किया गया है किसके थ्रू थ्रू ईस्टर्न रोमन रूलर जस्टिनियन के, ruler, के तो वो है लॉ लॉ तो जस्टिनियन इज फॉर जस्टियन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ रोमन लॉ तो रोमन लॉ से कौन जुड़े हुए हैं जस्टिनियन जुड़े हुए हैं द कॉर्पस जूरिस इज स्टिल द बेसिस ऑफ सिविल लॉ इन मेनी मॉडर्न स्टेट जस्टिनियन वॉज रिस्पॉसिबल फॉर द कंप्लीट अमेंडमेंट ऑफ द रोमन लॉ ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर हमारा सही हो जाएगा लॉ देखिए यहाँ पर अब हमारा जो ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड है वो भी पूरा का पूरा खत्म हो चुका है जिसके हमने सारे एम कवर कर लिए अब हमारा शुरू होगा गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड ठीक है और अगर यहाँ पर एम वाला पार्ट बहुत ज़्यादा हुआ तो हम सीधा फिर एम वाले पार्ट पे जाएंगे क्योंकि उसी में सारी थ्योरी कवर हो जाती है और अगर थ्योरी छोटी होती है और एम सी क्यूज़ में उतना कवर नहीं हो पाता है तो हम उसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे ओके तो आज के लिए इतना ही आपको ये पूरा पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा अच्छा लगे तो लाइक करना और दूसरे के साथ शेयर कर देना थैंक यू